तो भाई हम आए थे फूड वैली रेस्टोरेंट पे और ये भाई का रेस्टोरेंट है जो कि जिसका इंटीरियर बहुत ही जबरदस्त है। गाइस 12 बज चुके हैं और बर्थडे की भी शाना शुरू हो गई है भाई पे। अनस की अम्मी ने सबसे पहले अनस को विश करा। आप आवाज सुनिए अनस की अम्मी। अनस सेल्फी कर चली है। अनस सेल्फी कर। मुस्कुराना छोड़कर उदास हो जाती है। वैसे तो बहुत मोहब्बत करती है। वैसे तो बहुत मोहब्बत करती है। जी जी जी। मेरे लिए कुछ भी कर जाती है। कौन सी वाली? कौन सी वाली? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्वागत है आपका आज हमारे इस नए व्लॉग में। आज भाई अनस भाई का बर्थडे है और हम जा रहे हैं अनस भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने। और गाड़ी में तमाम हर पेक आटा चावल। एक बार कैमरा अब्दुल्ला भाई की तरफ करा गया। बिरयानी बिरयानी सारा सामान। सर इन्होंने हमारी जॉब छीन ली सर। बोले बहुत पैसा आ रहा है। बोले अब मैं भी बनाऊंगा। तो भाई आज है हमारे अनस भाई का जन्मदिन। आज के दिन जो है एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी। अनस भाई हुए थे आज के दिन जो है हमारे अनस भाई पैदा हुए थे और अनस भाई हमें लेके जा रहे हैं। अनस जयंती कहलाएगी क्या कहलाएगी आज? लाहौरी जीरा अनस जयंती। आज के दिन को हम घोषित कर देंगे एक छुट्टी के नाम पे। कौन सी? अनस जयंती मुट्ठी नहीं। अनस भाई की डेथ थोड़ी हो गई जो अनस जयंती जयंती कर रहे हो यार। अनस भाई हमारे जिंदा है अभी। अरे देखो ये जिंदा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये डरे डरे से क्यों लग रहे हैं? आज इन्हें पता है ना खर्चेगी। आज इनकी मोटी चाल मोटा पैसा सबको छीना जाएगा इसलिए कल सुबह से बहुत मेहनत करी है। हमारे पास एक वीडियो भी है वो दिखाएंगे उसमें। अरे मेरे पास है कि भाई साहब दिखा वही दिखा दिखा अब्दुल्ला भाई। अरे वीडियो दिखाइए जो आप दिखा रहे थे। पहले फोटो देखो कैसा लग रहा है। छी 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 भाई आज इतनी मेहनत की है इनकी मेहनत का फल। अरे ये हमारा अनस भाई फ्लैश पड़ ले दिखाओ मेरे हाथ में दिखाओ। बहुत दूर से बनाई भाई साहब ने। अच्छा जी उगड़ू पाओ बेड में थाने में जैसे बैठते। ये अनस भाई हमारे अपने जो है दुकान पे बेड बना रहे थे। किसी का आज किसी का बेड ऑर्डर जाना चलेगा तो इसलिए बेड चले। अपना बेड कब बनाएंगे? अपना बेड पता नहीं कब नसीब होगा भाई को। पर कोई नहीं आज भाई के बर्थडे का केक नसीब हुआ है जो कि अभी हम दिखाएंगे आपको। कमेंट आ जाएगा कब होगा। वन एंड ओनली पीस। तो भाई साहब ये अनस भाई के जन्मदिन का केक आ गया जिसपे हम दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा करके लिखा है। ये एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। अरे लाइटिंग आ रही है। रुको 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 एक सेकंड। हैप्पी बर्थडे माई वन एंड ओनली। तो ये एक फ्लेवर का नाम है। ये एक फ्लेवर का नाम है। और ये दूसरा वाला केक है दिखा ना। ये हमने लेडी बैग से लिया था। अनस भाई चला दूंगा। अनस भाई को फोड़े के इस पे रख के। अनस भाई को इसको विडा के फोड़ेंगे। ये इसने कई बार बात खराब कराई मेरी। मैंने नहीं इसने खोलते हैं खुलता नहीं। अब तो ये 3 महीने पुराना रखा हुआ पता नहीं क्या। ये 10 के अगर रखा है ये भाई 10 के पे लेकर आया था सेलिब्रेशन के लिए। 1 मिलियन पे करेंगे इंशाल्लाह। 1 मिलियन पे। ये कहाँ पे रखे हुए भाई? सीधा करो इसे। किधर को घुमाएगा? ये ऐसे बोल ये पकड़ के इसको यूं मारते सीधा। अनस भाई तुम क्यों बोल रहे हो? अनस भाई की खुशी में। अनस भाई की खुशी में अनस को खा गया है यार। ये क्या बात है? आधा मैं खाऊंगा अनस भाई को। हाँ अगर जिसका हक है उसको तो खाने दे दे। लो भेज दिए कोरियर कर। अनस बड़ा बीड़ा। अनस यार वो किसी खास की तरफ से आया था वो तो नहीं आ पाया। तो अनस भाई हैप्पी बर्थडे। ऐसे नहीं महक भी तो आ रही है खास की। महक आने के बाद मुस्कान भी आ गई चेहरे पे। किसका कशिश कहाँ है? पहले यार दोस्तों पहले कौन सा आया? अनस भाई कहाँ वाला है? पहले कौन सा आया? ये पहले कौन आया? ये चलो ये गाड़ी कैमरे। ये केक मांगू खिला।
ये हमारा केक है भाई। अभी भाई बर्गर क्या सर अंदर से ऐसा कर दे रहा है। हां हमारे केक में बुराइयां निकल रही हैं। वन एंड ओनली में निकली बुराई है। उसको बता ना टेट बाद आप देंगे। अरे अरे आइए भाई आइए। पूरा ले लो पूरा ले लो पूरा ले। क्या भाई का बहुत शुक्रिया। भाई जो है अभी बंद करके जा रहे थे तो भाई ने खोल दिया। भाई पहचान भी गए। थैंक यू भाई थैंक यू। ये फूड वैली है निर्वाणा के जस्ट बराबर में है। बहुत अच्छा करके बनाया है। इसके लिए आएंगे कभी कि ये शॉर्ट वगैरह शॉर्ट ब्लॉग बनाएंगे। ये तो फुल ब्लॉग है ना इसलिए नहीं शॉर्ट। मगर अक्सर जब भी हमारे यहाँ आने हुआ है तो टाइम यही होता है तो 12:30 बज रहे होते हैं। उस दिन भी आया था हम उस दिन नहीं जो ब्लूबेरी केक वाला जो ब्लूबेरी केक था उसमें जो थी मिठास भरी हुई थी। ऐसा क्यों अनंत भाई ऐसा क्यों यार ये बहुत गलत बात है अनंत भाई। तुमने केक दुबका दिया यार। खाओगे हाँ आ रही लिया थे छुरी भी बुलाओ। ये छुरी भी ले गया मैं लेके देता हूँ छुरी चापर लाके देता हूँ पूरा। अनंत भाई तू खा रहे हो इनको दे रही हूँ इन्होंने तो खा लिया पूरी जनता गवाह है भाई। भाई देख लो हम तो अपना केक खा रहे हैं उसने ब्लूबेरी वाला केक जो है डिब्बे में करके रख दिया। ये देखो साबित कर दिया है दोस्ती कुछ नहीं है। पहले बने ना ओनली कटा है हमारे हाथ से खा लो कोई बात है यार ये क्या बात है हमारे हाथ से नहीं खा सकते। एक गुनहगार के हाथों से गुनाह करो ना तुम। ये यार ये क्या बात है मतलब मेरे हाथ से खाना पड़ेगा ये क्या बात है। मैं अपना हाथ से खाऊं पर नहीं है मैं अपना हाथ से खाऊं। हटा भाई ये मेरे हाथ से खाएगा वो। अरे खाओ ना अरे खाओ ना। वो बर्थडे उसका है। तो भाई हम आए थे फूड फॉर वैली है ना फूड वैली कैफे एंड रेस्टोरेंट। तो भाई हम आए थे फूड वैली रेस्टोरेंट पे और ये भाई का रेस्टोरेंट है जो कि जिसका इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये भाई थोड़ा बहुत हमें एक्सप्लोर कराएंगे। और ये सब जो है हमारे अनंत भाई ने भी खाया है बर्थडे की खुशी में। ये चलो भी खाएं थोड़ा बहुत। तो ये जो है आपको यहाँ पे सबसे बढ़िया यहाँ पे शीशा मिल जाएगा। ये 16 साल से लेके 20 साल तक के बच्चों का इंतजाम करा दिया है। हाँ तमाम फोटो चलेंगे यहाँ पे मिरर वाले और सॉन्ग लगे जिसपे सिद्धू मूसा वाला कौन सा शहर दे पुलिस मुझे। ये देखें भाई क्रिएटिविटी। ये काउंटर आ गया और ये पूरा कैफे है कैफे एंड रेस्टोरेंट। आप टाइमिंग वगैरह क्या रहती है मतलब सब दोपहर 12 बजे खुलता है। रात को 12 बजे। अच्छा अच्छा चलो ठीक 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 है भाई शुक्रिया। ओके गाइस 12 बज चुके हैं और बर्थडे की विश आना शुरू हो गई है भाई। इसकी अम्मी ने सबसे पहले ना उसको विश करा। आप आवाज सुनिए ना इसकी अम्मी की। मैंने सेल्फी निकाल चली है। मैंने सेल्फी भी करा। अरे छोड़ो अनंत भाई वो अनस की मम्मी नहीं है अनस के बच्चों को। हैप्पी बर्थडे। अभी एक मिनट इन एडवांस इन एडवांस को लगा ही किसी और की कॉल ना हो जाए। सबसे पहले विश मेरा ही होना चाहिए वन एंड ओनली मी। इससे अम्मी इतना प्यार करती है इसलिए अम्मी ने पहले कॉल कर दिया। अनस की अम्मी की आवाज सुना इतनी प्यारी आवाज है मधुर आवाज है मधुर। कितने बज गए यासर भाई 12 बज गए हैं अनस भाई के बर्थडे की स्टोरी लग गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हंस हंस के रिप्लाई दिए जा रहे हैं भाई साहब। दोस्त बैठे हुए हैं उनका कुछ नहीं पता। तो गाइज अभी ना हमने केक वगैरह काट लिया और जो ब्लूबेरी वाला केक था वो अनंत भाई अपने घर पे लेके जा रहे हैं। बोले मम्मी खाएंगी इसे। हाँ यार मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आई ब्लूबेरी वाला केक इतना सा उन्होंने खिलाया हमें इतने से मैं 5 जनों को खिलाया और मैं खाने गया और पीजो खिल लियो हल्की सी नोक आई हुई यार। भाई बोले भाई दो भाई हमारे पास एक तरफ से मैसेज आया कि एक ड्रिफ्ट मारकर केक की सूरत निशान दी है। किधर से मैसेज आया पांचों में से आप क्या विधान की सूरत वो करोगे। अब तो खा लिया गया तो हो गया जो होना था। ब्लूबेरी वाला कहा है टेस्ट तक नहीं करा है हमने वो यार यही तो बताया। आपने टेस्ट नहीं करा तो आपने ये कैसे कहा कि वो ब्लूबेरी है। हाँ यार ये उस पर लिखा हुआ था फोटो में निकाल लिया अगर ब्लूबेरी हो लिखा हुआ तो अभी खाएंगे सब लोग। चलो ब्लूबेरी लिखा हुआ दिखाएंगे आप नहीं लिखा हुआ माय वर्ण ओनली ये लिखा हुआ है उसपे क्योंकि वो ब्लूबेरी का दूसरा नाम जो है वो वन एंड ओनली है समझ रहे हैं आप। तो गाइस अब हम आ चुके हैं पिज्जा सेंट्रल पर
और यहाँ पे जो देखो रोड पे काम हो रहा है, असुविधा के लिए खेद है, अनस के दिमाग में छेद है। हो जाएगा और तू जाके देखा मैं इसके साथ में रुचा मैं जाऊं। हां भाई कभी ये झूठ बोलते हैं भाई साहब, सब मना कर दिया एकदम से। हां भाई हैप्पी बर्थडे अनंत भाई के लिए। अनंत भाई यहां खड़े हो, अनंत भाई यहां पे खड़े हो जाओ। चलो कुछ तो फायदा हुआ है हमारे का, बैठ जाओ अनंत भाई, बैठ, बर्थडे तो बक रही है। देखा फ्री में जुगाड़ हो गई इनकी हैप्पी बर्थडे की। यार ये क्या बात हो रही है अनंत भाई, यार ये बात गलत है। देखने का काम हमारा, तेरे काम से ऑर्डर हम करेंगे, हम तुम पनीर पैसे दोगे ठीक है। स्कैन स्कैन कर लेगा रे, ये पेटीएम स्कैन कर रहा है। मेरा करोगे कैश कैश और मोटी चाल मोटा पैसा। अनिल भाई क्या कर रहा है, इतना खर्चा करवा रहा है। कल को अलग करवाएंगे, कल को अलग करवाएंगे, अलग क्या करवाएंगे, खाया ना तो भैया ऐसा है कि अरस भाई कह रहा है कि क्यों आता है जन्मदिन आखिर। अब्दुल्ला भाई बात तो बताओ, ये अनस भाई एक हफ्ते से खर्चे पे जो टन होता है सबका चाय पिलाने का भाई साहब, मेरे हाथ किस्ते में चल रहा है, आज भी नहीं करेंगे। तू गवाह है कितनी बार टन कर दिया मैंने इधर को। हां अनस भाई ने बहुत बार टन, तुम तो आ नहीं रहे थे। हेलो जी गुड मॉर्निंग, जब जब टन कर लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा टटर रहेगा। अनस भाई हमारे उसी में से है, ये खड़े रहे डटे रहे आज इन्होंने। आपने लीजिए तीन जोड़ो और उनसे कहो तीन जोड़ो ऑलरेडी आपके घर पे है। पेपर पनीर है ओके, तुम्हारा आ रहा है अभी, तुम आदमी खाइयो। सबका साथ सबका विकास ओके। अनिल भाई ने बहुत अच्छा खर्चा करा है, ये पहला खर्चा है अनिल भाई का। ओके इसका सुराग बंद हो गया, तो फिर एक काम करो अमेरिका भेज दो। वाह हट, क्या कर दिया, तड़ा लगा अनिल भाई, केक नहीं है आपका, ये क्या कर रहे हैं आज? तो हिंदुस्तान में देखे जाओगे क्यों, हमारी सारी क्लाइंट देखेंगे अनिल भाई को, आज मुंबई की बैंगलोर चेन्नई से। इतना केचप मत डाल, तो थोड़ा सा तू थोड़ा सा पूरा सा। ये देखें गाइस पिज्जा आ गया हमारा, यहाँ से भाई जल्दी लो। अब कब खत्म होगी, अपनी मर्जी सब कुछ, जो अपनी मर्जी से पूरा पूरा मेन्यू मंगा लेंगे यहाँ का, देख ले ये मेरे लिए भी है, देख लो देख ले पूरा मेन्यू काउंटर पे आ जाएगा। मरा पड़ा होगा, चार बेसी है भाई, 5,000 से प्लस बिल जाएगा, कोई बात खाली पेट हो, कोई बात नहीं। शेयर भूखा है हैं, कितना खाते हो आप? बिल्कुल भाई साहब। देखिए दूसरा भी आ चुका है, दूसरा खर्चा बाबा उसमें से तुमने दो खा लिए थे। हाँ, एक ही खाया था यासर वाला ने लिया था। तो यार यासर की वो मेरी आपस की बात है यार, ये क्या बात हुई यासर, चलो उठाओ ये को जल्दी से उठाओ, जल्दी उठाओ। जुनेद भाई तुम अलग क्यों हो गए, अबे दो दो लेके भाग गए, अरे दो है गद्दार, छोटा सा पीस था साइड पर रखा हूं। हां गाइस दूसरा खर्चा भी आ चुका है, अनस भाई आज बहुत दिलदार हुए हैं, कल को भी होंगे, कल को अनस भाई में सबसे बड़ी दावत देने वाले हैं, और आप सब भी आइएगा। कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? शाम को 6 बजे रैली निकले जमुनानगर में, जमुनानगर में होगी पार्टी, अंबानी जी के वहां पे शाम को 6 बजे रैली निकले। हम लोग भी इन्वाइटेड है फिलहाल, अभी तो ये खा ले। आला बहुत आला, किसकी अम्मी खाला? अनस। देखें ये देखें आप ऐसे करके सॉस को गली बनाओ, रमजान आ रहा है तो आप लग जाइए। कितने रुपए दोगे? 500 रुपए रोज पे, किसी को आना हो तो गाइस 4 बजे से लेके और रात तक बस बस। भैया 500 रुपए आ रहा है निर्वाणा का खर्चा, खैर सर कट 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 कट, इधर को दिखा के कट। क्या है अनंत भाई दिखाना, ये चीज है, ये तो अनंत भाई लग रहा है हमारे, क्या कर रहा है ये जो हम खा रहे हैं उसके तो पैसे हैं। अच्छा मेहनत करे। तो गाइस पिज़्ज़ा वगैरह खाया हमने वहाँ पर, और अब जो है हम जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि
पिज्जा तो एक तो भाई पेट भर गया क्योंकि अनस भाई ने इतनी मोहब्बत से खिलाया ना पिज्जा, बस पूछो मत ही। पेट में दर्द तो नहीं हो रही है जी? हमारा तो इससे में नहीं आया, जुनैद ने कहा दो दो। और बाकी अभी अनस भाई जो है एक शायरी पढ़ेंगे अनस भाई ने अपनी खुशी में। अनस भाई ने एक शायरी लिखी थी तो अनस भाई कह रहे हैं वो पढ़ेंगे। शायरी तो मेरे पास भी काफी ज्यादा है, मैं भी लिखता रहता हूँ। में तो हर कोई शायर बन जाता है। कभी इंशाल्लाह माहौल बनेगा ना तो एक व्लॉग शायरी का ही बना देंगे पूरा, ठीक है अनस भाई? अभी अनस भाई सुनाएंगे। माहौल बनाओ पहले तो यार। अब्दुल्ला भाई मैं अर्ज किया है, सिगार तो इनका हाथ में सिगार है, अर्ज किया है अनस भाई सिगार पकड़ो। हमारी फुरकान 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 अर्ज किया है फुरकान, हमारी गलतियों पर वो कुछ इस तरह सितम ढाती है, मुस्कुराना छोड़कर उदास हो जाती है। वैसे तो बहुत मोहब्बत करती है, वैसे तो बहुत मोहब्बत करती है। जी जी जी, मेरे लिए कुछ भी कर जाती है। कौन सी वाली आगे? पर नाराजगी में तो वो जान ले जाती है। कैमरे में देख के वो डेले इधर को देख रहा बड़ा आगे। पर नाराजगी में तो वो जान ले जाती है, माफ भी करती है, बहुत दिलदार है मेरी जान। जब वो हंसती है नसे कटेंगी आज तो, क्या बताएं कैसा कहर डाती है। उसकी मुस्कुराहट से तो मेरी जान में जान आती है। वैसे ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही तड़पाती है। अच्छा, कुछ महंगा या कीमती नहीं चाहिए उसको, मेरी प्यारी बातों से ही मान जाती है। लोग देख के कहेंगे घर आजा आरामी, तुझे ऐसी खुश नसीब। अरे रुको रुको रुको, तो ये शायरी भाई ने जो है अपनी वालिदा के लिए ही लिखी है, अपनी मम्मी के लिए लिखी है, कोई भी गलत ना समझे, ठीक है? ओके, बच्चों की मम्मी के लिए। अब वो बात अलग है, अब किसके लिए लिखी है? अम्मी है, बस अम्मी है, अम्मी है इनके बच्चों के लिए। आगे और है, ऐसी खुश नसीबी खुदा हर किसी को दे। ओहो, शीशे चढ़ाओ ना भाई, हवा की। मैं उसे जितना प्यार करता हूँ वो उससे ज्यादा कर जाती है। हाय हाय हाय, बस अब क्या बताऊं, बस अब क्या बताऊं उसके बारे में मैं, अगर बोलने पर आ जाऊं तो जुबान नहीं रुक पाती है। नोट का है मेरे, नोट निकाल जल्दी से। पैन कार्ड एटीएम का एटीएम। क्या शायरी, मैं कह रही हूँ दिल्ली में कोई मुशायरा वगैरह हो तो उसमें भाई का नाम वाम लिखवाओ। काल एरिया जो है, पर ये शायरी जो होती है भाई की खुद की शायरी है, ऐसा नहीं है हमें कोई ऐसा करनी होगी, कॉपी वॉपी कर लेंगे, ठीक है? तो ये भाई ने लिखी थी अपनी, काश की इतनी शायरी इतनी क्रिएटिविटी इन्होंने 12th के बोर्ड में दिखाई होती, सॉरी 10th के बोर्ड में दिखाई होती। 10th के बोर्ड में 70 आई थी, चल झुट्टा हमारा गए थे। हमारे स्कूल से हमारा गेट वे में जो है एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हम सभी की दावत थी, 65 प्लस वालों की। वो बात अलग है, उसमें 65 से नीचे वाले 55 तक के पहुंच गए थे। क्या हम नहीं गए थे, हमारी 65 आई थी, इनकी ट्रॉफी मम्मी लेने चली गई। मेरी 70 आई थी, तुम्हारी 69 आई थी। नहीं 77 आई थी। इनकी मम्मी इसलिए इनकी ट्रॉफी लेने गई थी क्योंकि वो 55% वालों को मना कर दिया था, तो इनकी मम्मी बोली नहीं मेरा बच्चा है मुझे तो चाहिए। वो रो रिया घर पे बहुत बच्चों को रंगे हाथ पकड़ा था हमारी अम्मी ने, तमाम पानी पिला रहे थे।